सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों दी वल। पाकिस्तान के लाहौर च गुरुद्वारा रोड़ी साहब से मुसलमाना ने किया कब्जा। गुरुद्वारा साहब की खस्ता हालत देख के सिख भाईचारे च रोस। पाकिस्तानी सरकारी अधिकारी गुरुद्वारा साहब नूं बचाउण लई कुछ भी करन तो असमर्थ। बेनीन च वापरिया भयानक सड़क हादसा, मचे अग दे भांबड़, जिंदा सड़े 22 लोग। धामी ने डेरा मुखी ते साधे निशाने, कहा पंजाब च शासन करके सूबे का माहौल किया जा रहा खराब। हुण खबरां विस्थार दे नाल। पाकिस्तान च लाहौर स्थित गुरुद्वारा रोड़ी साहब की खस्ता हालत देख के सिख भाईचारे च गुस्सा। गुरुद्वारे दीआं तस्वीरां ने सिख कौम के हिरदे वलुंदर के रख दिते ने। गुरुद्वारा रोड़ी साहब पिंड जामन PS बरकी जिला लाहौर विच है ते इस दीआं कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रही ने। गुरुद्वारा साहब की इमारत इस वेले खस्ता हालत विच है। गंभीर गल यह है कि गुरुद्वारा रोड़ी साहब से कथित तौर पर मुसलमाना ने कब्जा कर लिया। गुरुद्वारा किसी समय अनवंडे पंजाब के सिख भाईचारे का मांग से इन भाई वधावा सिंह ने श्री गुरु नानक देव जी के सन्मान बनाया सी। गुरु साहब का प्रकाश स्थान भी चंगी हालत विच नहीं है। इसनों कथित गुप्त खजाने की भाल विच खोजार्थियों खजाना खोजियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। पिंड वासी यह दावा करते सुने जा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड या कोई भी सिख संगत स्थानक या अंतरराष्ट्रीय गुरुद्वारे विच समाज विरोधी अंसरां लुटेरियां की आमद कारण गुरुद्वारा साहब के दर्शन नहीं कर रहे। पछमी अफ्रीकी देश बेनिन च एक बस से ट्रक की टक्कर विच घट्टो घट 22 लोगों की मौत हो गई है, जदों की 2 दर्जन लोग जख्मी हो गए ने। सरकार ने इसकी जानकारी दी है। बेनिन के संचार विभाग के निर्देशक ने फेसबुक से पोस्ट किया है कि हादसा दासा जुमे कस्बा नेड़े वापरिया। हादसे के तुरंत बाद बचाव कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया। हादसे के कारणों का भी अज तक पता नहीं लग सकिया। प्रशासन ने दस्सिया कि हादसे के कारणों के हालातों का पता लगाने लई जांच शुरू कर दी गई है। पटियाला विखे पंथ रतन गुरचरण सिंह टौड़ा की याद नूं समर्पित टौड़ा कबड्डी कप करवाया गया। टूरनामेंट विच पहुंचे SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने खास तौर पर शिरकत की। इस मौके धामी ने राम रहीम की पैरोल से सवाल चुके। उन्हें कहा कि SGPC 2 दिन के अंदर अंदर मानयोग हाई कोर्ट में पटीशन दायर करेगी, PIL दायर करेगी कि राम रहीम पैरोल तो आके सलाबतपुरे डेरे में वर्चुअल सत्संग नहीं कर सकता। पंजाब विच वड्डा इकट्ठ करके सत्संग करना दोबारा माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। इस मौके धामी वालों सूबा सरकार की जोरदार निखेधी की गई ते कहा कि मामले दे दोषी दे सत्संग दा विरोध करने वाले सिख आगुआं दी गिरफ्तारी सरकार लई शर्मनाक है। उन्हें कहा कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई SGPC नवी नीति बनाउण जा रही है ते SGPC वल्लों माझा दुआबा ते मालवा खेतर विच वख-वख मीटिंगां कीतियां जा रहियां। जेचे तौर ते इत्थे फोकस करांगे कि परोल ते आया बंदा सलामतपुर डेरे ते भावें वर्चुअल तौर दे उत्तों मुखातब कर रहा, पर पिछे नूं जे निगाह मारो ते सारे जिन्नियां भी घटनावां शुरू होईयां इत्थों होईयां ते अज मैं समझदा सरकारां नूं भी शर्म आउणी चाहीदी, अज तां अदालतां नूं भी चाहीदा कि जे इदां दे बंदे नूं इत्थे लिया के मुड़ पंजाब नूं फिर पट्टी दे विच झोकणा ये बहुत माड़ी गल आ। ते मैं समझदा इहदे पिछे एक 24 दी जिहड़ी पार्लीमेंट दी चोण आ शायद वह भी मोटिव होगा, नहीं तो इदा होंगी नहीं कदे भी बंदा 4 बारी 5 बारी लगातार परोल दे उत्ते आ जाए। सो जथेबंदियां जिहड़ियां उन्हां दा हक भी बनता, हक इस करके बनता कि ये पंजाब की धरती गुरां दे नां ते वसदी आ ते जिले सिधांतक तौर पर क्योंकि बड़ा दोषी आ बरगाड़ी कांड का, और बरगाड़ी कांड का दोषी इस करके गुरु साहब जी के आदब ते सत्कार नूं जिस तरह उन्होंने रोलिया उहदा मुख दोषी आ। ते मुख दोषी होण दे नाते उहनूं कदे स्टेट गैसट बनाया जांदा, कदे कुछ बनाया जांदा, मैं समझदा ये बहुत बड़ी माड़ी गल आ।
पाकिस्तान तो एक बड़ी खबर सामने आई। इतने पेशावर विच पुलिस लाइन मस्जिद विच जोरदार धमाका होया। इस दौरान टीटीपी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने अपने कमांडर उमर खालिद खुरासानी की हत्या का बदला लेने लिए खूनी हमला किया। पाकिस्तानी फौज ने पिछले साल अगस्त विच टीटीपी कमांडर नूं मार दिता सी। पाकिस्तान के पेशावर के पुलिस लाइन खेत्र विच एक मस्जिद विच होए आत्मघाती हमले विच मरण वालियां दी गिनती वध के 59 हो गई है। मौतों की पुष्टि पेशावर के कमिश्नर रियाज महसूद ने की है। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के अंदर बचाव की कोशिश जारी है। गुजरात च गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू नूं अपनी एक पैरोकार नाल जबर जनाह मामले विच बीते दिनी दोषी ठहराया। आसाराम खिलाफ यह मामला साल 2013 विच दर्ज किया गया सी। सैशन जज डी के सोनी नूं अज आसाराम नूं सजा सुनाउणगे। अदालत ने सबूतां दी घाट च आसाराम की पत्नी समेत 6 होर मुलजमां नूं बरी कर दिता। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन दर्ज FIR मुताबिक आसाराम ने 2001 तो लैके 2006 दरमियान औरत नाल कई बार जबर जनाह किया, जो शहर के बाहरी इलाके स्थित उसके आश्रम विच रहती सी। सरकारी वकील RC कौडेकर ने कहा कि अदालत ने इस्तगासा के मामले में स्वीकार कर लिया। आसाराम गैर कानूनी तौर पर बंधक बनाने नाल जुड़ी धारा च दोषी ठहराया गया। यह भी दस दिए कि विवादित बाबा इस समय जबर जनाह एक होर मामले च राजस्थान की जोधपुर जेल के नजरबंद। महाशिवरात्रि के पवित्र त्यौहार मौके धर्मनगरी काशी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे विभाग पंजाब तो 4 स्पैशल अप डाउन रेल गड्डियां चलाने जा रही है। उत्तर रेलवे हैडक्वार्टर वालों जारी की गई सूचना के तहत यह गड्डियां 2 फरवरी को जलंधर से बठिंडा स्टेशनों तो चलनगियां ते वापसी के लिए बनारस तो 6 फरवरी को गड्डियां चलनगियां। वापसी लिए 6 फरवरी को गड्डी नंबर 0452 रात 9 बजे चालके उक स्टेशनों तो होंदे हुए अगले दिन शाम 7:15 बठिंडा पहुंचेगी। रेलवे विभाग वालों जलालाबाद रेलवे स्टेशन से किए जाने वाले काम कारण फिरोजपुर फाजिलका ट्रैक से 1 से 6 फरवरी तक रेल आवाजाही प्रभावित रही। विकसित विकासशील ते विकास च पछड़े हुए देशों च वध रहे आर्थिक असंतुलन नूं संतुलित करन वाल कीते जाण वाले यत्नां ते G20 सम्मेलन दे महत्वपूर्ण मंच ते विस्थार नाल चर्चा होवेगी। साल भर चलण वालियां चर्चावां तों बाद जो सिटे निकलणगे उन्हां नूं वख-वख देश पॉलिसियां दे रूप विच लागू करनगे तां कि कमजोर लोकां ते देशां नूं बाकियां दे मुकाबले ते लियांदा जा सके। यह जानकारी भारत के खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्ड समूह दीआं बैठकां दा उद्घाटन करन तों बाद पत्रकारां नाल गल करदिआं दित्ती है। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक सवाल का जवाब दिंदिआं कहा कि खेतीबाड़ी सबसिडी के रूप में खेतीबाड़ी उत्पादन नूं दित्ती जाण वाली सहायता नूं सुरक्षित रखण दे भारत के हित नूं G20 बैठक च राखवां कीता जावेगा। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत पटीशन से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई तो इनकार कर दिया। इस तो बाद हुण मजीठिया की पटीशन फिर चीफ जस्टिस किसी दूजे बेंच नूं रैफर करनगे। मजीठिया ड्रग्स केस विच मुलजम ने जिन्हां नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दित्ती सी। सूबा सरकार ने उन्हां नूं दित्ती जमानत नूं सुप्रीम कोर्ट विच चुनौती दित्ती है। जस्टिस सूर्यकांत पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तों प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट गए सन। इत्थे उन्हां दी कोर्ट च ड्रग्स मामले की रैगुलर सुनवाई हुंदी आई सी। सिविल सर्जन फाजिलका डॉक्टर सतीश गोयल ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के मौके पर पैम्फलेट जारी किया। सिविल सर्जन फाजिलका जो कि खुद एक चमड़ी के कोड़ रोग के माहिर ने कहा कि इसका कोई पाप कर्म आदि भरमां नाल कोई संबंध नहीं है। बीमारी अजकल बिल्कुल पूरी तरह इलाज योग है। धूरी पुलिस ने 28 साल बाद पुलिस तो भगौड़ा हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फड़े गए दोषी का नाम कैलाश मंडल है, जो कि सहरसा बिहार का रहन वाला है, जिसनों बिहार तो गिरफ्तार कर धूरी लियांदा गया। जिसनों साल 1997 धूरी कोर्ट वालों भगौड़ा करार दिता गया सी, जो कि कतल केस विच पुलिस नूं लोड़ींदा सी।
मोगा दे पिंड घोलिया खुरद विखे होंद चिल्लर तालमेल कमेटी के प्रधान भाई दर्शन सिंह घोलिया उन्होंने भरा जो चंद सिंह वालों अपनी माता की याद में धार्मिक समागम करवा के पांच लोड़वंद अंगहीनां नूं ट्राईसाइकल वंडे गए। इस मौके संत बलवीर सिंह सिंचेवाल मैंबर राज सभा ते हलका विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर ने खास तौर पर पहुंच के दिव्यांग लोड़वंदा नूं साइकलां की वंड की। उन्होंने कहा कि भाई दर्शन सिंह घोलिया ते भाई मक्खन सिंह जो कि अपने माता ते पिता की याद में विलखण कार्ज करते हैं वो बहुत ही शलाघायोग ने। इस मौके संत सिंचेवाल ने लोगों को ते खास करके नौजवानों को अपील की थी कि अपने माता पिता की वधिया तरीके दे नाल सेवा। बहुत खुशी की गल है कि साडे वीर दर्शन घोलिया ते सारा परिवार ये लगातार सेवा करते आए हैं। इन्होंने अजे जिते शुकराना किया गुरु महाराज का रबी बाणी के भोग पाए आ। फिर भाई सरबजीत सिंह जी इन्होंने अपना कथा सुना के गुरसंगतां नूं निहाल किया। उसे नाल जिहड़े साडे समाज का अंग आ दिव्यांग उन्हां वास्ते जिहड़ी हैगी आ ट्राईसाइकल दे इक दित्ते आ। बहुत वड्डे जिहड़ी हैगी आ सोच आ क्योंकि जे साडा सारिआं दा फर्ज बणदा कि असीं उन्हां दी जे सारिआं दी हैल्प करिए ते बहुत इहो जिहा जिथे असीं अपनी सेवा कर सकदे आ। वाहिगुरू इन्हां नूं चढ़दी कला बख्शण। जे इन्हां नूं महाराज ने पैसा दित्ता है चाहुंदे आ कि किसी गरीब दे वास्ते समाज के भले वास्ते खर्चा जाए ये बहुत वड्डी सोच आ। अंडर 19 विश्व कप विच खिताबी जितना उत्साहित भारत की चैंपियन बल्लेबाज शेफाली वर्मा ली ए सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने इरादा दो हफ्तों बाद सीनियर टीम नाल इस सफलता नूं दोहराउण दा। महिला T20 विश्व कप 10 फरवरी तो दक्षिणी अफ्रीका च खेडिया जाना है ते इत्थे ही भारतीय अंडर 19 टीम ने शेफाली दी कप्तानी च पहला T20 विश्व कप जीत के इतिहास रचिया है ते 19 साला शेफाली भी भारत दी सीनियर टीम दा हिस्सा है ते दूजी वार खिताब जीत के दक्षिणी अफ्रीका दौरे नूं यादगार बनाउण दी कोशिश करी। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवियां ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।